हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर किसी को कभी ना कभी एक वकील की जरूरत पड़ती है। जैसे कि कभी कोई ट्रैफिक पुलिस वाला गलत चालान काट हो, या बैंक से आप परेशान हो, या कॉलेज स्कूल कहीं से भी आप परेशान हो, या आपको कोई पड़ोस में परेशान कर रहा हो, या आपको नेबर परेशान कर रहा हो, या आपको कोई म्यूनसिपालिटी वाले परेशान कर रहे हो कि कोई गली में कुत्ता वगैरह परेशान कर रहा हो। मतलब हो जाता है कि कभी कभी कुत्ते वगैरह भी ये गली के जो स्ट्रे डॉग होते हैं, ये स्ट्रे काउ होते हैं, तो उनसे परेशान हो जाते हैं। तो छोटी छोटी बात के लिए, बड़ी बात के लिए हम एक मतलब एडवाइस लेने के लिए एक एडवोकेट के पास नहीं जा पाते, क्योंकि एक एडवोकेट की जो फीस होती है वो भी 2500 इस तरीके से, मतलब कम से कम इस तरह फीस वो ले लेते हैं। तो कम मतलब कहने का मतलब कि लीगल एडवाइस ही काफ़ी महंगी होती है। छोटी छोटी बात के लिए हम उनके पास जाएंगे तो हमें ये डर भी रहता है कि कभी वो हमारी बात कहीं और शेयर ना कर दे, कभी हम ये ना सोचे कि हम तो छोटी छोटी बात पे परेशान हुए रहते हैं, उनके पास आ जाते हैं, चाहे हम पैसे देते हों, या हमारी बात लीक भी हो सकती है, कल किसी और के सामने भी हमारी बात ओपन हो सकती है। तो हम इस कारण से एक एडवोकेट से या एक लॉयर से मतलब सलाह नहीं ले पाते। लेकिन टेली लॉ में आपको ये फायदा कि आपकी बात गुप्त रखी जाएगी, आप महीने में अपने 3 केस फ्री में फाइल कर सकते हैं, मतलब उनसे लीगल एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है, तो आप महीने में आपकी जो भी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। आप अपने घर वालों के भी उसमें आप रजिस्टर कर लीजिएगा, ताकि आपको जैसे जितने भी मेम्बर हो उतने गुना आपको मिल जाएंगे। मान लो आपके घर में 5 मेम्बर हैं तो आप उनके नाम से भी आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, तो 5×3 15 आपको 15 लीगल एडवाइस आपको फ्री की मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी लीगल एडवाइस ले सकते हैं फ्री में यहाँ से। और जैसे कि कोई आपकी कोई FIR से रिलेटेड या बेल से रिलेटेड, या आपको कोई परेशान कर रहा है, घर घरेलू मुद्दा है, या आपको बैंक या आपको चेक बाउंस का केस है, कोई भी आपका केस है, तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। आप ऑनलाइन यहाँ बैठे घर बैठे ही अपनी लीगल एडवाइस ले सकते हैं, तो आपको ये काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये जो बेनिफिट है, आपको सिर्फ आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है, आप घर बैठे या कहीं भी आप बैठे हैं, आप वॉशरूम में हैं, वॉशरूम में इसलिए कह रही हूँ कि आप मतलब चुपके वहाँ पे बात कर सकते हैं, आप अपने फ्लोर पे बात कर सकते हैं, कहीं भी चुपके बात कर सकते हैं और लीगल एडवाइस लेते हैं आप। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये लॉगिन करने का इसमें वो है ऑप्शन है। वैसे पहले आपको टेली लॉ आपको गूगल करना पड़ेगा, एंड जैसे आप इसे गूगल करेंगे, लॉगिन जैसे आप इसे करेंगे, तो आपके पास ये पोर्टल आ जाएगा। आपको जो पहले करना होगा, आपको पहले साइनअप करना होगा। साइनअप के लिए आपको बेनिफिशियरी एप्लीकेंट के लिए यह करना होगा, आपको अपना नेम, मोबाइल नंबर करना होगा, जनरेट OTP आएगा, उससे आपको आसानी से आपका स्किपर अकाउंट बन जाएगा। डैशबोर्ड में जाकर केस हिस्ट्री में जाके आप अपना केस देख सकते हैं, और ऐड केस डिटेल में अपना अपना केस आप कोई फाइल कर सकते हैं। एक महीने में आपको 3 केस आप फाइल कर सकते हैं, उसके रिलेटेड आप लीगल एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नया इसके ऊपर और क्या जानने वाला है, जिसके बाद मैं आपको जानना चाहती हूँ ये टेली सर्विस होती क्या है। टेली सर्विस का सिर्फ एम ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कोई मतलब किसी ना किसी केस में फंस जाता है, जैसे किसी को धमकी मिल रही है या कोई सेक्सुअल हैरेस हो रहा, अपने घर में नहीं बता रहा पा रहा, अपने पति को नहीं बता पा रहा, तो वो एडवाइस ले सकता है ऑनलाइन। ठीक है, इसके लिए कोई फीस नहीं लगेगी, तो किसी को फीस लगेगी वो सिर्फ 30 रुपये लगेगी। ज़्यादातर जिसमें लोग हैं फ्री लीगल एडवाइस ले सकते हैं सेक्शन 12 के अनुसार 1987, जो कि लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है 1987 के अनुसार फीस वो कर सकते हैं फ्री में ले सकते हैं एडवाइस। और कुछ के लिए नॉमिनल फीस है 30 रुपीज़, जो कि वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अब कई लोग जो सर्विस है अवेलेबल कहाँ कहाँ है, वैसे तो पूरे भारत में है, लेकिन के कुछ जैसे बूथ वगैरह भी होते हैं, तो वो यहाँ पे बताए हुए हैं कि यहाँ यहाँ पे है। अब ये CSC क्या है? CSC जैसे कि आप देखते होंगे हर जगह खुला हुआ, कॉमन सेंटर सर्विस, मतलब जहाँ पे लोग मतलब कोई आधार कार्ड भरवाया जाते हैं, सब कुछ जैसे कि कुछ ना कुछ जो स्कीम है वहाँ के फॉर्म भरवाया जाता है, तो ये CSC सर्विस जैसे होता है कुछ। ओके, इसमें कितनी लैंग्वेज है? 12 ऑफिशियल लैंग्वेज में आप इनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, ये आप मतलब किन को फ्री देते हैं, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट किन को टेली लॉ सर्विस देते हैं? कोई भी वुमेन हो, चाहे वो कितनी भी उम्र की हो, चिल्ड्रन जो कि 18 से कम हो, SC BC हो और ST के हो, बिलोंग करते हैं, तो अपना मतलब अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए, अगर अपना आपको फ्री में एडवाइस लेते हैं। कोई ट्रैफिक विक्टिम हो, ट्रैफिकिंग का, वो भी लीगल एडवाइस फ्री में, कोई मेंटल इल है मतलब पागल है, या डिफरेंटली एबल पर्सन है मतलब कि अपंग उपंग है, तो वो भी ले सकते हैं फ्री में एडवाइस। कोई भी नेचुरल डिजास्टर या थैनिक वायलेंस का शिकार हो चुका है, जैसे कि थैनिक वायलेंस क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर ये होता है जैसे काल हो गया, कोई भी भुखमरी होगी या कुछ भी मतलब ऐसा जो कि प्राकृतिक आपदा ही है, तो उसके ऊपर हम कहेंगे नेचुरल डिजास्टर। एथेनिक वायलेंस भी में भी वो अपना यहाँ फ्री में लीगल एडवाइस देते हैं। इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो होते हैं, जिसके भत्ते पे अपना काम करते हैं या मजदूरी करते हैं या अनऑर्गेनाइज किसी संस्था में काम करते हैं, तो वो भी फ्री में एडवाइस देते हैं। अंडर ट्रायल्स, जैसे कोई बेल पे है या कोई उसकी बेल लेनी है, किसी FIR हो गया, तो वो भी अपनी फ्री में लीगल एडवाइस ले सकते हैं। किसी की लो इनकम ग्रुप से कोई जुड़े हैं, तो वो भी अपनी फ्री में लीगल एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है, ओके। एंड जैसे इसके बारे में जानना हो कि क्या कंसल्टेशन फ़ीस लगेगी,
तो देखिए यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ कि जैसे कि मेंटली इल हो तो अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, और इज वुमेन चिल्ड्रन हैं तो उनको कोई अपना रजिस्ट्री मतलब सर्टिफिकेट अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सी एस सी जैसे आप उसको ऑफलाइन लेके जाते हैं तो सी एस सी के लिए आपको क्या लेके जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लेके जाना पड़ेगा, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट। यदि आप ट्रैफिकिंग के शिकार हो चुके, जैसे कि कभी कभी भूख मतलब कोई देवी पार होने में फंस गया है या मतलब किसी भीख मंगवाई जा रही है, ठीक है, तो उसके लिए पुलिस की कोई अपने को मतलब पुलिस को कोई कंप्लेन की उसकी कोई कॉपी हो, आपको खुद का एफिडेविट दे सकते हो, क्या लिख के उसके नीचे सेल्फ अटेस्ट करके भी आप अपने लिए फ्री लीगल एडवाइस ले सकते हो यहाँ से, ठीक है। आपका खुद का सिग्नेचर भी सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट के रूप में काम करेगा आपका सिग्नेचर, जहाँ आपके बयान हुए कि आप इसे इस तरीके से किसी भी मतलब प्रॉब्लम के शिकार हैं, किसी भी समस्या के शिकार हैं, तो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट भी जितने आपके साइन हो, आपके सिग्नेचर हो, आपके हस्ताक्षर हो, तो वो भी काफ़ी होगा। मेंटली इल हो या कोई डिफरेंटली एबल जैसे अपंग पर्सन होते तो उनका सर्टिफिकेट चाहिए होगा, यदि कोई नेचुरल डिजास्टर का विक्टिम है तो उसका डिस्ट्रिक्ट का प्रमाण पत्र चाहिए होगा, यदि कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है तो उसका जॉब कार्ड होगा या मनरेगा कार्ड होगा तो वो भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, और यदि कोई इनकम लो इनकम ग्रुप से है तो पी पी एल कार्ड या इनकम सर्टिफिकेट चलेगा, अंडर ट्रायल कस्टडी में है तो एनी रेलिवेंट केस डॉक्यूमेंट चलेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपको, और जो इनसे नहीं है इनसे रिलेटेड तो उनको तो अपना आधार कार्ड और अपनी कोई भी आई डी देनी होगी, तीसरे पे देने होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे पे, तो ये इतना खास नहीं है, इसको थोड़ा आगे करते हैं, चलते हैं। अब टेली लॉ का जो ओवरव्यू है उसके बारे में मैंने लगभग आपको बता ही दिया है वर्बली। अब जो कौन कौन से स्टेट में ये कवर हो चुका है सी एस सी, जैसे कि सबसे ज़्यादा जो सी एस सी कवर हो चुका है वो हो चुका है महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में, फिर अपना उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी कवर हो चुका है। इसको हम करते हैं बंद, ये स्लाइड काम करिए। ओके, अब ये आप देख रहे हैं आप मतलब हरियाणा में, जैसे कि हरियाणा से रिलेटेड बात करें कि विलेज लेवल पे ये कितना एंटरप्रेन्योर कर चुका है, तो कौन से जिले में है क्या है, तो सब कुछ आपको बता देगा इसमें, ठीक है। तो आपका कौन सा जिला है उससे रिलेटेड देख सकते हैं, किसी ग्राम पंचायत कहाँ, उसका डिस्ट्रिक्ट कहाँ, ब्लॉक कहाँ है, तो उसमें सी एस सी कहाँ, तो इस तरह आप अपनी इसमें भी जो भी है ये सारा आपको टैली लॉ पे अवेलेबल होगा, इसमें आपको स्कीम वगैरह में सब कुछ मिल जाएगा हमें, तो इस तरीके से आप ये खोल सकते हैं। एंड ये खोल के आपको सारा पता चलता रहेगा, ठीक है। तो आप इसके ऊपर जरूर जाइएगा, ओके। एंड यहाँ से टैली लॉ से रिलेटेड आप वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको समझाया जाएगा व्हाट इज टैली लॉ, तो ये टैली लॉ क्या है, आपको प्रॉपर यहाँ कैसे केस फाइल करना है, कौन कौन सी लैंग्वेज में है, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा, क्या अपलोड डॉक्यूमेंट करने हैं, ठीक है आपको, और क्या फ़ोटो अपलोड करनी है अपनी एलिजिबल क्राइटेरिया के लिए, जब आपका केस फाइल हो जाए तो कैसे पोर्टल दिखाई देगा, ठीक है। आपको जैसे कि एड केस में अपना नया केस फाइल कर सकते हैं, केस हिस्ट्री में जो अपने केस फाइल कर चुके हैं उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको चेंज पासवर्ड या एडिट करना हो कुछ, आपको अपना प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं, तो इस तरह लॉगिन करके आपको इस तरह का प्रोडक्ट दिखाई देगा। और ये जनरल इंस्ट्रक्शन है कि आप मिनिमम 3 चांसेस होते हैं कि आप उस रीशेड्यूल कर सकते हैं और महीने में 3 केस आप फाइल कर सकते हैं, ठीक। और जो डॉक्यूमेंट है 2 MB के लगेगा, और डॉक्यूमेंट जो होना चाहिए PDF या JPG या PNG में होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए लॉयर लिस्ट होती है जिसमें बहुत सारे 4 आपको 5 आपके मतलब आपके एरिया के हिसाब से आपको 4-5 लॉयर सजेस्ट किए जाएंगे, आप किसी एक को चुनाव कर सकते हैं और बाद में अपना जो कमेंट फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसमें देख लीजिएगा। अब चलते हैं कि ये जो बात कर रहे हैं इसके फ्लायर्स में जो देखते हैं, हिंदी में देख लेते हैं एक बार खोल के। अब फ्लायर्स में क्या मतलब होता है, किसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया गया। अभी टैली लॉ होता क्या है, इसमें क्या, जैसे कि दहेज, पारिवारिक विवाद जो केस होते हैं, तलाक होते हैं, घरेलू हिंसा होते हैं, जैसे पारिवारिक विवाद हो गया, जैसे किसी को जॉब नहीं करने दी जा रही घर में, चाहे वो बेटी हो, बहू हो, चाहे बेटा हो, कोई भी हो, ठीक है। तो पारिवारिक विवाद हो गया, तलाक का कोई केस हो गया, घरेलू हिंसा चाहे लड़की के साथ हो, बहू के साथ हो, किसी के साथ भी हो, तो भी वो कानून से लड़ सकती है। महिला बच्चों या वरिष्ठ जो नागरिक होते हैं, वरिष्ठ नागरिकों पर अच्छे तरीके से उनको रखा जा रहा होता घर में, तो वो भी अपना केस यहाँ फाइल कर सकते हैं। और जैसे कि आप कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ कोई लड़का या कोई भी आपको छेड़छाड़ करता है, कोई आपके छेड़छाड़ करवा रहा है, कोई आपको मतलब बॉस भी है या कोई भी है, कुछ भी आपके यहाँ कुछ भी गलत हो रहा है, आपको मतलब मेंटली इससे स्ट्रेस में आ रहे हैं, तो जो भी दुर्व्यवहार है उसकी आप उससे रिलेटेड भी कार्य सलाह ले सकते हैं। जमीन ज़्यादा तो आपको केस हो सकते हैं, केस हो महिला या पुरुष के लिए जो समान मजदूरी होनी चाहिए, या मातृत्व का लाभ, या जैसे कि होती है मैटरनिटी जो लीव मिलती है, या जैसे कि भ्रूण हत्या ना हो के, ठीक है,
तो उसके लिए भी ठीक है, आप यदि कोई समझ लड़की है छोटी है, कोई लड़की उम्र की 9th, 10th, 8th, 7th जो भी है, जितने भी 18 साल से कम है, यदि वो अपना विवाह रुकवाना चाहती है, कोई और उसकी हेल्प करना चाहता है, तो भी वो कानून की सलाह यहाँ पर ले सकते हैं। बच्चों को यौन शोषण के लिए, जैसे किसी के हाथ गलत के छेड़छाड़ होते, किसी को गलत तरीके से हाथ से छूना या फिर गलत कमेंट करना, तो वो भी यौन शोषण होता है बच्चों का, तो वो उसके लिए भी कानून की सलाह बच्चे भी ले सकते हैं, उनको बिल्कुल फ्री है। बाल मजदूरी करवाई जा रही है, जैसे किसी पोचा वगैरह मरवाया जा रहा है, कारखाने में काम करवाया जा रहा है, कहीं भी कुछ पर करवाया जा रहा है, तो वो अपनी लीगल एडवाइस यहाँ पे ले सकते हैं। बच्चों की शिक्षा के अधिकार, मान लो कोई बच्चा चाहता है कि वो मतलब कोई डॉक्टर बने या कुछ बने, घर वाले से पढ़ा नहीं रहे, कुछ कहते हैं कि वो गरीब है, तो ऐसे बहुत सारी जगह होती है जहाँ मतलब फ्री में भी कॉलेज वगैरह मिल जाते हैं, तो वो वहाँ पर जाकर पढ़ सकता है। तो यदि कोई बच्चा अपनी मतलब कोई वकील बनना चाहता है, कोई कुछ भी बनना चाहता है, तो उसके पास अधिकार है कि वो लीगल एडवाइस लेके आके अपना केस फाइल करे, और अपना जो भी है जहाँ भी है उसको शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। FIR लिखवाने और जमानत मिलने की प्रक्रिया, ठीक है, तो FIR कैसे लिखवाएं, जमानत की प्रक्रिया, उससे रिलेटेड भी आप हेल्प ले सकते हैं। अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो, उसके प्रति जो अत्याचार है या पुनर्विवास है, तो उसको रहने की कैसे उसको जगह मिले, तो उसके रिलेटेड भी आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। अब इसकी तिथि, मतलब जैसे कि टेलीलॉग जो पैरालीगल वॉलंटियर होते हैं, वो TPLV की मदद से या आप मोबाइल एप्लीकेशन पर अपना मामला जो दर्ज कर सकते हैं आप, ठीक है, वकील से संपर्क करने के लिए, तो इसमें ये दिया गया है। ओके, एंड जैसे कि इसमें पहली प्रक्रिया ये है, दूसरी प्रक्रिया की TPL जो LV है, मामले का रजिस्ट्रेशन पहले भी मोबाइल से किया जाता है, फिर नागरिक CSC पर पहुँच कर अपना मामला रजिस्टर कर सकते हैं। और कानूनी सलाह के लिए आपको SMS से निर्धारित तिथि एवं जानकारी दी जाएगी, फिर 5 निर्धारित तिथि एवं समय में CSC पहुँचे चाहिए, तो वकील से फ़ोन पर आप सलाह प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें बताया गया है आपको, ठीक है। अब 7th जो है, ये लिफलेट जो है, इसके बारे में थोड़ा सा खोल के देख लेते हैं, ठीक है। तो यही है, ये फ्लायर्स वाला ही की तरह है, इसमें कोई अलग कुछ नहीं है। ओके, अब देखते हैं ये कुछ आपको बता पाऊँगा इससे अलग। ये पोस्टर है, पोस्टर देख लेते हैं ओपन करके। हाँ, तो जो टेलीलॉग है वो बताया गया है कि ये मतलब आपके विलेज में भी आपके लिए अवेलेबल है, और इसमें लीगल एडवाइस आप काफ़ी आसानी से ले सकते हैं, वो भी फ्री। इसमें आप वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, टेलीफोन पे बात भी करते हैं, यूजिंग कंप्यूटर से यूज करके, या आपके फ़ोन में भी आजकल VC वगैरह कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस, तो वो भी कर सकते हैं। यदि आपको कोई मामले, जैसे कि इसमें आपको मतलब CSC में आपको जब पहुँचे तो क्या प्रूफ लेके जाना पड़ेगा, आप कोई बर्थ सर्टिफिकेट भी लेके जा सकते हैं, या कास्ट सर्टिफिकेट ले जाएँ, या ID कार्ड ले जाएँ, कुछ भी ले जाएँ, राशन कार्ड या आधार कार्ड, कुछ भी आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, पंचायत का सर्टिफिकेट, म्यूनसिपैलिटी का सर्टिफिकेट हो, आप कुछ भी लेके जा सकते हैं। आप किस किस मैटर में आप लीगल एडवाइस आराम से ले सकते हैं, डोरी मतलब दहेज का केस, मतलब महिला के साथ कोई भी घर में लड़ाई हो रही हो, परेशानी दी जा रही हो, या फैमिली डिस्प्यूट हो, जो किसी बात को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, या उसके साथ सेक्स डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि वो लड़की है तो वो ये नहीं कर सकते, जॉब नहीं कर सकते, वो बाहर नहीं घूम सकते, तो इस तरह कोई भी इसके भेदभाव हो तो वो कर सकते हैं। 40 साइड मतलब जैसे इसके कोई भ्रूण हत्या करवाई जा रही है किसी बच्चे की, तो कोई भी और भी उसके पक्ष में केस फाइल कर सकता है, मान लो कोई गली का उसमें कोई जानता है, तो किसी की भ्रूण हत्या मतलब बच्चे की करवाई जा रही है, तो वो भी केस फाइल कर सकता है, अलग एडवाइस ले सकता है, और लड़की खुद भी ले सकती है जिसका बच्चा मतलब भ्रूण हत्या का शिकार हो रहा है, ठीक है। अरेस्ट से रिलेटेड या FIR से रिलेटेड, या बेल से रिलेटेड, नॉन वेबलेबल ऑफेंस से रिलेटेड, या गेटिंग कैसे बेल लें, ठीक है, सब कुछ SC/BC के जो अधिकार है सब कुछ हमें आपको बताया जाएगा, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। अब ये बताया गया है कि भाई जिसकी कोई फ्री सर्विस है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो ये सब कुछ वही है। अब चलते नए पड़ाव पर, जिसमें हम आपको थोड़ा सा और नया कुछ बताएंगे, ठीक है। अब पैरालीगल जो वॉलंटियर हैं, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, पैरालीगल जो वॉलंटियर हैं, जैसे यहाँ थोड़ा उसके बारे में बताया गया है, पैरालीगल वॉलंटियर जो भी है व्हाटएवर, इसे थोड़ा सा हम करते हैं जूम ताकि आपको एक स्पष्ट दिखाई दे। ओके, अब PLV और टेली मॉडल जैसे कि दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो पैरालीगल वॉलंटियर होते हैं, एक लॉयर नहीं होते, बस वो एक माध्यम होते हैं कि आपको मतलब लीगल एडवाइस दे पाए, आपके मतलब उससे मिलवा दें वकील से, तो एक बीच में मध्यस्थ होते हैं, ठीक है, तो उनको नॉलेज भी होती है कि आपको अच्छी तरीके से गाइड कर पाए। ओके, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है टेलीलॉग मॉडल की, तो बताया गया है जो पैरालीगल वॉलंटियर का जो वर्क है वो कोई चार्ज लेते बेनिफिशरी से, ठीक है,
और ओके तो ये आपको एक केस डायरी मिली गई, आपको उसको मतलब संभाल के रखना है, तो उसमें जैसे कि आपको प्रक्रिया बताई गई है ओके एंड जिसमें मीनिंग ज़्यादातर जो है बस जो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या चैट या टेलीफोन की मदद से बात कर सकते हैं ओके और यदि आपको आधार कार्ड आपके जो प्रूफ के लिए पूछा जाए या बैंक अकाउंट भी आप दे सकते हैं अपना मतलब बता सकते हैं, तो ज़्यादा बैंक अकाउंट की डिटेल नहीं दीजिए, सिर्फ अकाउंट नंबर बता सकते हैं, ऑनली अकाउंट नंबर बताइएगा, बस कोशिश करिए कि बैंक की डिटेल ना ही बताएँ, उसमें आप कहीं ना कहीं फंस सकते हैं, बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको हाइड मतलब स्किप करिए ओके एंड इसमें जिसकी आपको बताया गया है, अरे भाई मैंने मित्रा के बारे में, भाई मैंने सुना कौन है ये लोग भी ये को मदद करेंगे, तो इस तरीके से सारा कुछ आपको बताया गया, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा खुद ही कि काफ़ी बड़ा हो जाता है पोर्टल हमारे लिए भी, तो आप इसमें पढ़ के जब भी आपको जानकारी चाहिए तब उनसे पूछ सकते हैं, इसको करते हैं स्किप ओके तो ये रेडियो जंगल था इसका एक पार्ट, और साइन बोर्ड में क्या है वो पढ़ लेते हैं आपके सामने, दिखा देते हैं आपको, साइन बोर्ड में कुछ नहीं है, बस आपको पोस्टर टाइप मिल जाएगा, ये वीडियो ट्यूटोरियल हम आपको दिखाई चुके हैं जो आपके काम का था, वॉइस फॉर द बेनिफिशियरी इसको हमने पहले से ओपन किया हुआ आपके लिए ठीक है, तो देख लेते हैं वो ओपन का, आई थिंक वो ओपन जो था बंद हो गया ओके लेट्स सी, तो जो टेली लो है जैसे वंचित लोगों तो जो भी मतलब काम सलाह नहीं ले पाते उन तक भी पहुँचाया जाता है, तो अन्याय से संघर्ष करने के लिए आया, अन्याय से मतलब आपको लड़ सके टाइम पे आपको एक हेल्प मिल जाए, तो उसी के लिए है ये टेली लो ताकि आपकी हेल्प की जाए, इसमें काफ़ी मामले बताए गए हैं, उन मामलों के बारे में पढ़िएगा, कोई क्वेश्चन क्वेरी हो कोई बात अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आप हमसे शेयर करिएगा, तो इस तरह काफ़ी मामले शेयर किए गए हैं ताकि आप एक आपको समझ आए कि इस तरह रेलो आपकी हेल्प करेगा और आपको किस तरीके से इसमें हेल्प मिल सकती है ठीक है, तो इसमें से रिलेटेड क्या क्या कि इसमें हेल्प मिली और उसकी ये मतलब वो है न्यूज है, और ये ओवरकमिंग मतलब बताया गया इस तरह प्रक्रिया बाधाओं पर काबू पाना जैसे बताया गया मामला, ये भी एक मामला ही है ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी मामले इसमें शेयर किए गए हैं, कोई डोमेस्टिक अब्यूज हो रहा हो तो उसको कैसे फाइल करें, इसमें कैसे मतलब निदान पाएं, तो इसमें वही सब कुछ बताया गया है ओके अब जो दूसरा हम पढ़ लेते हैं दूसरे में क्या है वो देख लेते हैं, इसमें टेली लॉ का जो बताया गया फैमिली मैटर मतलब या कोई भी इस तरह का डिस्प्यूट हो तो उसमें कैसे केस फाइल होगा, क्या क्या केस रहते हैं ठीक है, इसमें लगभग वही सब कुछ बताया गया है, और एब्रीविएशन वगैरह बताएगी जैसे सी एस की फुल फॉर्म क्या, डी एल एस की फुल फॉर्म क्या, आप इसमें जरूर पढ़िएगा आपके कहीं ना कहीं काम आ जाएगी ठीक है, अभी केस नंबर वन जैसे केस नंबर टू बताएगा, इनको जरूर पढ़िएगा, कभी ना कभी लाइफ में आप किसी और की या खुद की भी हेल्प कर सकते हैं, काफ़ी इसमें ज्ञान की बातें आपसे शेयर की जाती है, तो इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी आप जरूर पढ़िएगा, अब चलते हैं इस पर आप कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं इसको, यदि आपको इससे सलाह अच्छा ना मिली आपको कुछ कंप्लेन करनी है या कुछ भी बात करनी है तो आप इनको भी स्पीड पोस्ट कर सकते हैं ठीक है, मेनली आप इसका स्पीड पोस्ट करिएगा और इनको भी कर सकते हैं किसी बटन आके, तो फीडबैक देना तो आप यहाँ पे दे सकते हैं ठीक है ओके, तो ये जो वीडियो थी हमने स्पेशल उनके लिए बनाई है क्योंकि एक जो वकील होता है अपनी लीगल एडवाइस का 2500 रुपये चार्ज कर लेता है, और उसके साथ हम जो भी बात शेयर करते हैं कभी कभी वो होता है कि कहीं ना कहीं जानकारी निकल जाती है कि कहीं ना कहीं हमारी जान पहचान का निकल जाता है कुछ ना कुछ, तो तीसरे बंदे के आगे हमारी बात शेयर हो जाती है, लेकिन इसमें आपकी बात गुप्त रहेगी, आपसे कुछ भी आपके कोई साथ कोई गलत बात हुई है या आपके कोई आप छुप के बात अपनी शेयर करना चाहते हैं, लेकिन एडवाइस लेना चाहते हैं कहीं भी किसी समय भी, तो आप इनसे टेलो के माध्यम से लॉगिन करके महीने में 3 केस आप फाइल करके अपना उनसे लीगल एडवाइस ले सकते हैं, तो ये है टेलो, और कोई क्वेश्चन की वैल्यू तो आप उनसे जुड़ सकते हैं ट्विटर इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन एंड यूट्यूब, और आप हमें यूट्यूब इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक एंड अदर प्लेस भी हमें जो फॉलो करिएगा, हमारा उत्साह बढ़ाइएगा ताकि हम आपके लिए नई नई जानकारी बटोरते रहें और आपको देते रहें,
और आपको नई नई चीज़ें सब नई नई टेक्नोलॉजी नई नई सुविधाओं से अपडेट करते रहें और आपके जीवन में कुछ ना कुछ रंग भरते रहें। तो विदा, आज हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ जो कि आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जरूर लाइक करिएगा, वीडियो को कोई कमेंट क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा कि वीडियो में आपको कौन सी बात जानने को ज़्यादा अच्छी मिली, कौन सी बात से आपको फ़ायदा हुआ, कौन कौन से केस आपने पढ़े उससे आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई क्वेरी हो तो हमें मेल पर संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स से संपर्क कर सकते हैं। कैसे लॉग इन करें, कैसे साइन अप करें, कैसे उसमें केस फाइल करें, ये भी आप हमसे पूछ सकते हैं। और यदि आप हमसे पर्सनली गलत एडवाइस चाहते हैं तो उसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जो करिएगा। आज के लिए हम इतना ही, मिलते हैं किसी और नई यूजफुल वीडियो के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ अगले दिन। तो आज के लिए इतना ही।